तो हमारी 200 मीटर वाली ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई है। अभी वो ऊपर जाएंगे एंड आपको व्यू दिखाते हैं फिर इधर से। तो इस टाइम देख सकते हो आप जो जिला पास में लाइव बर्फ चल रही है और सिर के ऊपर देख सकते हो कितनी ज्यादा बर्फ पड़ी हुई है इस टाइम। तो दोस्तों ये हमारा फर्स्ट टाइम, मेरा फर्स्ट टाइम था ये जो जिला पास में घुमरी में। तो व्यू काफी अच्छा था क्योंकि चारों साइड में बर्फ पड़ी हुई है। तो अभी हम करीब 12,000 मीटर की ऊंचाई पर हैं और जैसे आप देख सकते हो इधर सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और गला भी सूख के जा रहा है। तो अभी हम उसी लोकेशन पे पहुंच गए जहाँ पे अभी लास्ट टाइम थोड़े दिनों पहले ही इनकाउंटर चल रहा था। ये एरिया है वो सामने वाला। क्या ही व्यू है भाई, देख सकते हो आप और बर्फ ही बर्फ पड़ी हुई है। सामने देख सकते हो भाई वो कौन सी गाड़ी है। तो ये आ गया नवयुग टनल और ये पार करते ही हम सीधा पहुंच जाएंगे कश्मीर डिवीजन में। हम एंटर कर देंगे ये पुल जहाँ खत्म होगा, फिर उसके बाद का हम एरिया आपको दिखाते हैं क्या ही एरिया होगा। अलग ही, मतलब कि एक बोलते हैं ना कि अलग ही जगह में आ गए। और लास्ट टाइम जब गए थे तो इधर मौसम ठीक था और उधर कुछ दिख रहा ही नहीं था, इतनी ज्यादा धुंध थी और ठंड। तो ये देख सकते हो भाई आप कश्मीर डिवीजन, अलग ही व्यू है इधर का देखना, यह मस्ती व्यू है। और उधर धूप नहीं थी तो धूप भी है लेकिन बारिश भी पड़ी हुई है, बारिश पड़ा है यहाँ। अभी हम श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गए हैं तो इधर का व्यू दिखाता हूं मैं आपको। रेनबो देख सकते हो, तो ये देख सकते हो भाई आप अभी सब श्रीनगर सिटी के व्यू। और इधर से डल लेक हमारा होता है स्टार्ट। अरे गर्दन बाहर निकाल, बाहर निकलो, छत पे चढ़ जा। वो लिखा सामने डल लेक बोर्ड में। और ये हाउस बोट देख सकती हो भाई, क्या ही व्यू है यार इधर का, वाह। और अभी हम शायद से आगे रुकेंगे डल लेक के साइड में। सिटी का व्यू देखिए आप यार एक बार। तो यहाँ से डल लेक का असली व्यू शुरू होता है भाई, देख सकते हो क्या ही मजेदार व्यू है। शिकारे लगे हुए हैं, बस बैठने वाले बंदे नहीं मिल रहे हैं अभी क्योंकि सुबह का टाइम है। इस टाइम लोग बाहर निकले हैं, जो भी टूरिस्ट वगैरह वो ज्यादातर अपने अपने होटलों में स्टे किया उन्होंने। यहाँ से शिकारा ले सकते हो आप और सामने होटल अकबर होटल सामने है और व्यू देखिए आप, इतना बेहतरीन व्यू है। अगर आप श्रीनगर में आते हो तो आप होटल में भी जा सकते हो और साथ में इधर भी स्टे कर सकते हो हाउस बोट के अंदर। इधर चार्ज थोड़ा ज्यादा होता है बट लेकिन मजा भी उतना ही आता है भाई हाउस बोट। और हम आए थे भाई आज, हमने अपनी गाड़ियों का इंट्रो नहीं कराया आपसे। हम एक लेके आई है नैनो कार और एक साथ में वो पीछे आ रही है XUV 500। तो अभी हम सिटी के अंदर है, बीचों बीच श्रीनगर के यहाँ और ये कृष्णा ढाबा जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है। और अभी इधर का थोड़ा व्यू दिखा देते हैं हम। मार्केट ओपन हो रही है, अभी पूरी तरीके की मार्केट ओपन हुई नहीं है लेकिन तो अभी हम गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में हैं। तो सोनामर्ग इधर से करीब कोई 60 किलोमीटर दूर है और सुनने को आया कि सोनामर्ग में अभी स्नोफॉल चल रहा है
तो चल के देखते हैं उधर। और व्यू इधर के, इधर से जो आगे का व्यू आता है वो नेक्स्ट लेवल का व्यू होता है, जो कि अभी हम आपको थोड़ी देर बाद दिखा देंगे। अभी तो थोड़ी देर बाद कनिया व्यू आता है। और अभी ड्राइव कर रहे हैं मामू उधर, और एक हमारा पार्टनर पीछे आ रहा है। और इधर का नज़ारे देखिए आप, साथ साथ में रिवर चल रही है और इधर ये रोड और ये हसीन वादियाँ इधर की। ये तो अभी कंगन सिटी में पहुंच गए हम, इधर से करीब कोई 40 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर सोनमर्ग, और अगर दराज जाएंगे तो वो इधर से कोई करीब 109 किलोमीटर में है। अगर सोनमर्ग में बर्फ़ पड़ रही होगी तो उधर ही इंजॉय करेंगे, अगर सोनमर्ग नहीं हुई बर्फ़ तो फिर दराज वाली साइड देखेंगे, अगर परमिशन दे दी उधर के पुलिस अधिकारियों ने तो आगे जाएंगे। लास्ट टाइम तो परमिशन मिली नहीं थी ना, उस टाइम लास्ट टाइम रास्ता बंद था, उधर बड़ी ज़्यादा बर्फ़ चल रही थी। अभी तो देखते हैं अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो ये सोनमर्ग का पुल बारिश चल रही है इस टाइम, बर्फ तो अभी कहीं दिखी नहीं है सोनमर्ग में आके शायद। तो हमने सोनमर्ग क्रॉस कर दी है, अभी जोजिला पास पहुंचने वाले हम। सामने की वो देख सकते हो आप, नीचे बेस कैंप है अमरनाथ यात्रा का, यहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है और सामने बैक साइड अमरनाथ के पहाड़ आ जाते हैं। अभी इस टाइम पे यात्रा क्लोज है और इधर आगे जोजिला पास का रास्ता जाता है, और बर्फ़ देख सकते हो आप, अभी ही पड़ना स्टार्ट हो गई है बर्फ़, और आगे जाके देखते हैं कितनी बर्फ़ है। तो भाई व्यू देख सकते हो आप इधर का, जोजिला पास अभी इधर से थोड़ा सा दूर है, लेकिन क्या ही व्यू है भाई, देख सकते हो आप, और बर्फ ही बर्फ पड़ी हुई है। सामने देख सकते हो भाई वो कौन सी गाड़ी है, और व्यू चेक मारिए, वाटरफॉल चेक मारिए, और इधर ठंड इतनी ज्यादा है ना, बता नहीं सकता हूँ आपको कितनी ज्यादा ठंड है। जैकेट पे जैकेट, जैकेट पे जैकेट, तीन जैकेट और एक टी शर्ट लगाई है मैंने। और ये हमारे दूसरे वाले साथी आ रहे हैं इधर एक्सयूवी पर। तो ये सामने देख सकते हैं जोजिला के पहाड़, और आगे थोड़े से जाके जोजिला पास आ जाएगा, तो उधर जाके हम एंजॉय करेंगे। और साथ में ये आप इधर का व्यू देख सकते हो, क्या ही मस्त व्यू है, और पहाड़ों के बारे में देख सकते हो आप। और मैं आपका विवेक एक्सप्लोरिंग आपको टाइम टाइम पे अपडेट देता रहूँगा। तो भाई हम अभी पहुँच चुके हैं इधर, कौन सी जगह है ये, गुमरी है क्या, गुमरी, तो गुमरी में हम पहुँच गए हैं, और जोजिला, और हर तरफ बर्फ है जहाँ आप नज़र डालोगे। तो हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई है इधर, जो कि 200 मीटर की होगी शायद से, है ना, लेकिन तो हमारी 200 मीटर वाली ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई है। अभी वो ऊपर जाएंगे एंड आपको व्यू दिखाते हैं फिर इधर से। तो अभी हम करीब 12,000 मीटर की ऊंचाई पर हैं, और जैसे आप देख सकते हो इधर सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और गला भी सूख के जा रहा है। तो मैंने तो सोचा था इधर हाइट में जाएंगे ऊपर, अभी देखते हैं कहाँ तक पहुँचा जाता है। तो हमने अपनी ट्रिप वो लास्ट उधर से स्टार्ट की थी, और मैं और रजनीश मामू पहुंच गए हैं इधर। अभी हम जाएंगे इधर जहाँ पे थोड़ी सी बर्फ़ की वो दिख रही है, और बाकी दो आ रहे हैं वो नीचे, और इधर सांस लेना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, इतनी हाइट में जा रहे हैं। और एक छोटा सा छोटी सी रिवर आ रही है ऊपर ग्लेशियर से, बर्फ पिघलती हुई, और इधर शूट चल रहा है।
जाएंगे वो सामने वाली लोकेशन पे। तो जोजोला पास में देख सकते हो आप किस तरह का जाम लगा हुआ है इधर। तो इधर सिंगल साइड से गाड़ी आ रही है, इस साइड से आर्मी की कार्रवाई चल रही है, वो आर्मी वाले सामने खड़े हुए हैं कि कोई बंदा इधर से उधर ना निकल जाए। और इस साइड जो खाई है भाई वो भी आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। इधर चलना भाई खतरे से कम नहीं है, पहाड़ देख सकते हो आप और बर्फ चल रही है लाइव। तो दोस्तों ये हमारा मेरा फर्स्ट टाइम था ये जोजिला पास में गुमरी में। तो व्यू काफी अच्छा था क्योंकि चारों साइड में बर्फ पड़ी हुई है और ताजा बर्फबारी के साथ आपको नजारा दिखाते हैं। और इधर बर्फ नहीं है लेकिन भाई हाथ कांप रहे हैं और कान ठंडे हो गए हैं बिल्कुल। और अभी हम जा रहे हैं सामने वाली लोकेशन में, उधर देखते हैं खाने को क्या मिलता है।